नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल, में हूं आपके साथ महेश जैन। 7 दिसंबर सशक्त सेना झंडा दिवस को लेकर जो हर साल मनाया जाता है, इसको लेकर इस बार देखा जा रहा है कि नीमच जिला भारत में नंबर 1 जिला बनने जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर दिनेश जैन और अपर कलेक्टर नेहा मीणा ने एक अभिनव पहल की शुरुआत करी। इस बार जो है सहयोग राशि जो इस दिन एकत्रित की जाती है, उसमें 51 लाख रुपए इसकी राशि एकत्रित करने का टारगेट रखा गया। इसके लिए समाज संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं को भी इसको जोड़ा जाना है। कलेक्टर दिनेश जैन और अपर कलेक्टर नेहा मीणा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इसको लेकर बैठक ली। सभी सामाजिक संस्थाओं से अपील की गई कि इस बार जो सेना जो वीर शहीद है उनके सम्मान में हम जो सशक्त सेना दिवस 1949 से 7 दिसंबर को हर साल जो मनाते हैं और जो सहयोग राशि एकत्रित करते, ताकि उनके परिवार को हम हर संभव मदद करें, और साथ सैनिकों के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है, इसको लेकर इस बार देखा जा रहा है कि कलेक्टर दिनेश जैन की पहल एक बार और नीमच जिला पूरे भारत में एक अलग पहचान बनाने जा रहा है, इसको लेकर आज बैठक करी गई। बैठक के साथ ही कई रूपरेखाएं तैयार करी गई। QR कोड से लगाकर जो सेना का जो एक अकाउंट नंबर है वो भी सभी तरफ सभी के साथ पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इस में राशि अपनी सहयोग राशि देना चाहता है तो उसके माध्यम से किया। वहीं बता दें कि नगर परिषद से लगाकर शहर के मुख्य मार्गों पर भी टीमें उतरेगी, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से प्रशासन सैनिकों के लिए सहायता राशि एकत्रित करेगा और नीमच जिला एक अलग इतिहास बनाएगा। देखिए, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने की देश की सेवा में कई साल बिताए हैं, और अब वो रिटायर हो गए हैं, और उनके परिवार जो हैं उनकी मदद के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इसको आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जो सैनिक वेलफेयर कल्याण बोर्ड है वो फ्लैग देता है, कुछ स्टिकर्स देता है, और उसके माध्यम से कुछ राशि हम लोग एकत्रित करते हैं, और वो राशि फिर इकट्ठी होके सैनिक कल्याण में जाती है, और सैनिक कल्याण के माध्यम से उन सैनिकों के परिवारों को उनकी शिक्षा के लिए, विधवा महिलाओं के लिए कुछ हेल्प होती है, उससे उनकी बच्चियों के विवाह के लिए, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए, और उन सारी चीज़ों के लिए जिससे कि इन सैनिकों को मदद की ज़रूरत होती है, उसमें ये काम आता है। इस बार हम लोगों ने प्लान किया है कि नीमच ज़िले में जो है 7 दिसंबर जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो बड़े पैमाने पर मनाया जाए, और इसके लिए प्लानिंग की है कि और एक कि सभी नगरों और सभी ग्रामों में ये चीज़ पहुँचे, लोगों को इसकी जानकारी हो जाए, नागरिकों का और सभी सामाजिक धार्मिक हमारी सभी तरह की जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला कर आज बातचीत की है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा अमाउंट जो है हमारे सैनिकों के लिए, क्योंकि भारतीय सेना का जो है पूरे विश्व में एक नाम है, हमारे सैनिकों ने बड़ी वीरतापूर्ण तरीके से अपना काम किया है, और आज भी जो हम लोग नागरिक की हैसियत से जो सुरक्षित रहते हैं अपने घरों में, तो वो सीमा पर जो हमारा सैनिक हमारे लिए तैयार है, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित हैं, तो हम लोगों का इतना दायित्व तो बनता है। सभी नागरिकों से भी मेरा ये आग्रह है कि चूंकि हम लोग सीमा पर जाकर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम लोग अपने घर से, यहीं से, अपने ज़िले से इतनी मदद तो कम से कम कर सकते हैं कि ताकि उन परिवारों को अच्छी हेल्प हो जाए। सर, किस तरह से माध्यम हर टारगेट अपन हर टारगेट जो रहता है आपका वो पूरा करते हैं, इस बार क्या लगता है भारत में नीमच जिला ऐसा कुछ बनेगा जिससे सबसे ज़्यादा सहायता राशि, क्या लक्ष्य क्या है सर? मुझे पूरी उम्मीद है, हम लोगों ने अभी 51 लाख का टारगेट सोचा है, जो कि अभी तक पूरे भारत के किसी ज़िले ने नहीं किया है संभवतः, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश में तो अभी किसी ज़िले ने नहीं किया है, तो हम लोगों का ये पूरा उसमें फोकस है कि टारगेट अचीव किया जाए, और कम से कम भारत के सभी ज़िलों से जो है नीमच ज़िला एक रिकॉर्ड कायम करे, और नागरिकों को भी अच्छा लगे कि वो एक अच्छे काम के लिए कुछ दान राशि एकत्रित कर रहे हैं। सहायता राशि कैसे आएगी, क्या माध्यम रहेगा, लोग जो करना चाहते हैं सहयोग को कैसे करेंगे? देखिए, हमारा सैनिक कल्याण का जो है एक अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर को हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि या तो वो सीधे उस अकाउंट नंबर में कर सकते हैं, QR कोड वगैरह भी डेवलप करवा रहे हैं ताकि QR कोड के माध्यम से लोग दे सकें, अगर चेक वगैरह संस्थाएँ देती हैं तो वो हमारे ऑफिस में चेक दे सकते हैं, और अगर कैश देंगे तो हम लोग उस दिन 7, 6 और 7 को जो है डोनेशन बॉक्स वगैरह को लेकर निकलेंगे शहर में, तो जो लोग अगर कैश उसमें डोनेट करेंगे तो वो राशि भी सैनिक कल्याण बोर्ड को पहुंचाई जाएगी।